ओम शांति। विश्व वंदनीय यज्ञ की आधार स्तंभ दिव्य प्रतिभा संपन्न लॉफुल अनेकों के जीवन को बनाने वाली ऐसी प्रेरणा मूर्ति ममतामयी परम श्रद्धे आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी, सचमुच दीदी एक विरल विभूति थी जिसके व्यक्तित्व में परमात्मा प्रेम गोपी का प्रेम समाया हुआ था, जिसकी दृष्टि में परिवर्तन करने की शक्ति थी। ऐसी महान आत्मा के साथ मुझे रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बात है 1971 की। मैंने मधुबन में रहना आरंभ किया। उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी, न मुझे ज्ञान के इतने गहरे राज अथवा योग की अनुभूतियां थी, न ही स्थूल कार्य करना आता था। लेकिन दीदी जी ने इस आत्मा को संवारा, श्रृंगारा, सिखाया और इस योग्य बनाया है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो श्रद्धे दादी दीदी की बदौलत। मैंने दीदी के साथ में रह करके बहुत कुछ सीखा है। दीदी तो धारणा मूर्ति, गुणों से श्रृंगारी हुई मूर्त थी। उनकी विशेषताओं के विषय में अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो ऐसे लगेगा जैसे दीपक सूर्य को बता रही हूं। लेकिन फिर भी मैंने अपने जीवन में जो प्राप्त किया उसके कुछ प्रसंग मैं यहां वर्णन करना चाहूंगी। सबसे पहले, दीदी हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझती थी। हम लोग को भी कहा करती थी, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल। मुझे याद है कभी भी दीदी दादी के क्लास में पहुंचने के बाद नहीं गई। हमेशा हमको भी कहा करती थी कि टीचर के क्लास में पहुंचने से पहले स्टूडेंट को पहुंच जाना चाहिए। दीदी की विशेषता थी, कभी भी क्लास में पेन डायरी के बिना दीदी नहीं गई। और मैं दीदी के बाजू में बैठती थी। दीदी एक एक ज्ञान के पॉइंट को बड़ा गहराई से अपनी डायरी में लिखती थी। मैं देखती थी, परंतु दीदी सिंधी भाषा में लिखती थी इसलिए पढ़ तो नहीं सकती थी। फिर भी मुझे लगता था कि दीदी इतने सारे पॉइंट्स नोट करती है तो मैं भी मुरली से पॉइंट नोट करती थी। मुरली पूरी होने के पश्चात हम दीदी के कमरे में जाते थे। कुछ बहनें होती थी, दीदी बड़ा प्यार से सबको कहती थी, आओ आओ बैठो, चलो बैडमिंटन खेलते हैं। और उस दिन की मुरली जिसको दीदी प्रश्न उत्तर के रूप में लिखती थी, और जब प्रश्न पूछती थी तो कई बार तो ऐसे महसूस होता था कि आज बाबा ने मुरली में ऐसा कुछ कहा है क्या। काफी सोचने के बाद भी उस पॉइंट को नहीं समझ पाते थे, फिर दीदी उसका उत्तर देती थी, तब लगता था कि हाँ ये तो आज बाबा ने कहा था। तो दीदी को मुरली सुनकर के बाबा के महावाक्यों को, जिसको रतन कहती थी, इतना अच्छा प्रश्नोत्तर के रूप में लिखती थी। वो मैंने मुरली सुनना और मुरली के पॉइंट लिखना स्टूडेंट लाइफ दीदी से सीखी। दीदी का शिक्षा देने का जो ढंग था बहुत ही अनोखा न्यारा था।
दीदी को हमेशा ये संकल्प रहता था कि बाबा का हर बच्चा, हर आत्मा और उसमें भी हमारे जैसी कुमारियों पर दीदी की विशेष नजर रहती थी कि इनका फाउंडेशन इतना मजबूत हो जो जीवन में कहां भी किसी परिस्थिति में हमेशा पास हो और बाबा का नाम रोशन करे। इसलिए छोटी सी छोटी बात पर भी दीदी बड़े प्यार से अटेंशन खिंचवाती थी। संग पर भी दीदी का बहुत ध्यान रहता था कि किसी ऐसे संग में आकर के इनकी बुद्धि प्रभावित ना हो। मुझे याद आता है एक बार मैं और एक बहन बाबा के बगीचे में गए। शाम का समय था। जिस समय हम गए हमको मालूम नहीं था, लेकिन दीदी ने वो टाइम नोट किया। दीदी का पूरा ध्यान था ये कब वापस आती है, और हम लोग 1.25 घंटे तक बगीचे में बैठे। जब वापस आई उसके बाद दीदी ने बुलाया, कमरे में बुला करके बड़ा प्यार से हाथ फिरते हुए मस्तक पर कहती है, तुम तो मेरी दिल की सखी है ना। मैंने कहा जी दीदी। तो कहा, सखी को सब बात सच्ची सुनाते हैं ना। मैंने कहा जी दीदी। तो बोली, आज तुम जब बगीचे में गई तो तुमने वहां क्या किया। मैंने कहा दीदी, हम लोगों ने बाबा की मुरली जो आज सुबह चली थी उसको रिपीट किया। फिर पूछा कौन कौन से पॉइंट रिपीट किए, फिर दीदी को सुनाया। तो दीदी बोली, ये मुरली रिपीट करने में तुमको 1.25 घंटा लगा। तुम तो बहुत अच्छी बाबा की बच्ची है जो इतना ज्ञान से तुमने ध्यान से मुरली को रिपीट किया, 1.25 घंटे तक मुरली चलाई। फिर मैंने कहा नहीं दीदी, मुरली के बाद फिर हम लोग बात कर रहे थे। फिर दीदी ने पूछा, एक एक बात अंदर से दीदी ने निकलवाई और कहा, अब तुमको पता पड़ा तुम्हारी बुद्धि में जो किचड़ा पड़ा था वो दीदी ने निकाल दिया। अब तुम्हारी बुद्धि हल्की हो गई, तुम बाबा को अच्छी रीति से याद कर सकेंगी। नहीं तो ये जो बातें की थी, जो व्यर्थ की थी, जिसमें किसी की निंदा किसका पर चिंतन था, ये तुम्हारा योग नहीं लगने देती। बहुत प्यार किया और प्यार करने के बाद कहा कि अब से कभी भी तुम इस आत्मा के साथ में बात नहीं करेंगे। दीदी ने जैसे कहा, दीदी ने ये भी सिखाया कि वो तुमको ओम शांति करे, तुमको बुलाए तो तुम उसकी तरफ नहीं देखो, उससे बात नहीं करो। बात नहीं करने का मतलब है ऐसी कोई भी व्यर्थ की बातें उसके साथ बैठ करके नहीं करेंगी। तो संग का भी दीदी बड़ा ध्यान रखती थी, व्यर्थ संकल्पों का भी दीदी ध्यान रखती थी। ऐसे ही दीदी के अंदर हर कार्य को परफेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बाबा हमें 16 कला संपूर्ण बना रहा है। तो हमारा हर कर्म ऐसा हो जो कला की गिनती में आए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन परफेक्शन। मुझे एक बारी दीदी ने एक छोटा सा बॉक्स दिया जिसको रैपर करना था, और मैंने उसे बहुत अच्छी रीति से, एक भी क्रीज ना पड़े, ऐसा रैपर किया। लच्छू दादी को दिखाया तो लच्छू दादी ने कहा कि ये दीदी को पसंद नहीं आएगा, दीदी इसको खोल देंगी, तुमसे खुलवाएंगी। मैं तो बड़ी खुश थी कि इतना अच्छा रैपर किया है, एक भी क्रीज नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं दीदी कुछ भी नहीं कहेगी, दीदी को अच्छा लगेगा। तो लच्छू बहन ने हंसा और कहा, अच्छा ठीक है, तुम दीदी के पास लेकर जाओ। मैं जब लेकर के गई तो दीदी ने उसको हाथ में लिया। हाथ में लेकर के दीदी कहती है, तुमने किया है ना। मैंने कहा जी दीदी। तो दीदी कहती है, अच्छा जाओ ब्लेड लेकर के आओ। ब्लेड मंगाया, फिर कहा, अब इसका जो सेलो टेप है उसको ऐसे निकालो
जो ये नीचे का कागज फटे नहीं। सारे रैपर किए हुए उसको दीदी ने खुलवाया और इस ध्यान से कि नीचे का पेपर फटना नहीं चाहिए। खोलने के बाद फिर से दीदी ने मुझे सिखाया कि इसको इस ढंग से रैपर करो। उसमें मेरी गलती क्या थी कि जो पेपर था वो पेपर लाइनिंग वाला था। मैंने जब उसको रैपर किया तो उसकी लाइनें टेढ़ी हो गई थी, जिसके कारण से वो टेढ़ा दिखाई देता था। दीदी ने उसकी लाइन सीधी करके फिर मेरे से रैपर कराया और कराने के बाद कहा, अब तुम बताओ, तुमने जो रैपर किया था वो अच्छा था या दीदी ने जो तुमसे कराया वो अच्छा है? मैंने कहा, दीदी ये अच्छा है। कहने का तात्पर्य कि छोटी सी छोटी बात में भी दीदी का बड़ा ध्यान जाता था और हर कार्य एक्यूरेट हो और परफेक्ट हो, हम छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं। लेकिन हमने देखा हमारी दादी दीदियों में जो संस्कार थे वो सचमुच वो देवताई संस्कार थे, 16 कलाओं से संपूर्ण वाले संस्कार थे। वही पालना दादियों ने दीदियों ने हमें दी है, वही शिक्षा हमको दी है। ऐसी विशेष आत्मा के संग से मैंने अपनी जीवन की धारणाओं को बहुत परिपक्व बनाया। दीदी पतिव्रता थी, सतीव्रता थी। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं था। हमेशा खुशी से कहती थी, बस तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से सर्व संबंध निभाऊं। वो तो मेरा इतना मीठा साजन है, सलोना साजन है। तो वही संस्कार दीदी ने हमको भी दिए। मुझे इसमें अपने जीवन का एक प्रसंग ये याद आता है। 1976 में समर्पण विधि हुई। तब तो समर्पण छोटे से रीति से किए जाते थे। दीदी के कमरे में थोड़े लौकिक संबंधी थे और हमारी सभी बड़ी दादियां, गुलजार दादी, मनोहर दादी, निर्मल शांता दादी, शांतामणि दादी, ये सब बैठे थे, यीशु दादी थी। तब दादी दीदी संदल पर बैठी थी, मुझे आगे बुलाया और आगे बुलाने के बाद दीदी ने चांदी के सिक्के से मांग भरी। बहुत प्यार, इतनी रूहानियत और इतनी पावरफुल दृष्टि थी जिसने आत्मा के अंदर एक दृढ़ता और पवित्रता का कंकन बांधा। उसके बाद दीदी ने अपनी अंगुली से, उस सूखे कंकु से यहां मस्तक पर एक तिलक लगाया, गोल बिंदी लगाई। और बिंदी लगाने के बाद दीदी ने अपना माथा, मैं नीचे बैठी थी ऐसे आधे पैरों पर खड़ी हुई, और अपना माथा मेरे माथे से यहां पर लगाया। और लगाने के बाद जो मेरे माथे पर बिंदी लगी थी वही गोल बिंदी दीदी के यहां माथे पर छप गई। फिर दीदी ने दृष्टि देते हुए, गोद में लेते हुए, हाथ फेरते हुए कहा, जैसे ये है वैसे ये, अर्थात जैसे दीदी पतिव्रता सतीव्रता है वैसे तुम हो। दूसरा वाक्य दीदी ने कहा, तुम अखंड सौभाग्यवती हो। ये दीदी ने वरदान कहो मुझ आत्मा को दिया और सचमुच आत्मा के ऊपर वो एक छाप लग गई। वो दृश्य कभी भी भूलता नहीं है कि मैं बाबा की अखंड सौभाग्यवती आत्मा हूं। मन में, चित्त में, बुद्धि में एक बाबा है। आज दिन तक कभी भी इस आत्मा को किसी आत्मा ने प्रभावित नहीं किया। ऐसा पतिव्रता का कंगन, अखंड सौभाग्यवती का वरदान दीदी से मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ। और दीदी की इन सभी शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए मैं बहुत सहज और सरल रीति से
आगे बढ़ रही हूँ। सेवा के क्षेत्र में भी किस प्रकार स्वभाव संस्कारों के बीच रहना है वो भी दीदी बड़ा प्यार से सिखाती थी और सदैव हाँ जी कहो और आगे बढ़ते रहो, ऐसे अनेकानेक शिक्षाएं दीदी ने दी हैं, जिसके कारण से आज सेवा के क्षेत्र में भी मेरे साथ में साथी बहनें भी बहुत हैं और सारे सब जोन के भाई बहनें भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी जो दादियों ने दीदियों ने श्रृंगारा आज वो शिक्षाएं हर पल हर क्षण काम आती हैं और हमेशा बाबा के साथ का अनुभव कराते हुए जीवन में मैं सफलता का अनुभव करती हूँ। ऐसे तो अगर दीदी की गाथा गाएं तो शायद एक पुस्तक पूरा हो जाए, क्योंकि मैं उस समय पर लगभग 1.5 वर्ष मधुबन में रही थी। मेरा नियम था हर रोज सुबह दादी और दीदी के पास जाना, रात्रि को भी दादी और दीदी के पास जाना, तो कुछ ना कुछ शिक्षाएं रतन उन्हों से प्राप्त होते थे और उन्हों को मैं हमेशा अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करती थी। तो आज जो कुछ भी मैं हूँ अथवा जो मुझे अपने जीवन में सफलता प्राप्त हुई है, उसका आधार श्रद्धे आदरणीय ममता की मूर्ति माँ कहूँ हमारी दीदी है। ओम शांति।